हेलो एवरीवन वेलकम टू अभी पीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आई माय नेम इज़ मुनेश एंड इन सी सेट पेपर टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज टू डेज अवर टॉपिक इज नंबर सिस्टम यू नो नंबर सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम सी सेट का प्रीवियस ईयर का एनालिसिस देखते हैं तो 2015 से टू तक अगर हम देखें तो 15 के अंदर थ्री क्वेश्चन वर फ्रॉम number system then in 16 there were five questions 17 six question 18 six question 19 five question and in 2020 there were 14 questions yes you can't believe 14 questions were from a number system एंड जो क्वेश्चंस थे वो किस तरह से थे लाइक डाटा सफिशियंसी के फॉर्म में भी क्वेश्चंस आपके नंबर सिस्टम में से पूछे हुए थे इसके अलावा uh, आपके पास में जो नंबर सिस्टम पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे डिविजिबिलिटी रूल पे बेस्ड क्वेश्चन थे और भी कुछ रूल्स थे उनके ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चन नंबर सिस्टम पर पूछे गए थे ओके सो नंबर सिस्टम को आप किसी भी हाल में इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो फिफ्टीन से ट्वेंटी मार्क के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नंबर सिस्टम में से यस yes. वी कैन एक्सपेक्ट मोर ऑल्सो बट फिफ्टीन टू ट्वेंटी तो मान के ही चलिए कि हाँ जी नंबर सिस्टम में से आपका आएगा ही आएगा ओके सो लेट एस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करें फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सिस्टम के टेन टेन क्वेश्चन हम हर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे तो इस वीडियो के अंदर देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन से अब क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो क्वेश्चन है ये 2018 थाउजेंड एटीन सी सेट पेपर टू में पूछा गया था ओके okay? तो अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है यस yes. क्या है अपने पास में जो डॉट है डॉट की जगह पे क्या वैल्यू आएगी ये आपको फाइंड आउट करना है अब दे आर टू मैथड्स वन इज कि आप यहां से वैल्यू को पिक करोगे यस yes. वैल्यू को पिक करोगे मैंने फोर पिक किया सभी जगह पुट किया देखा कि नहीं बनी बात उसके बाद मैंने फाइव पुट किया फिर सिक्स पुट किया फिर एट पुट किया ठीक है हिट एंड ट्रायल यूज करोगे आप ठीक है सेकंड ये है कि जब हम नंबर सिस्टम कर रहे हैं हमें नंबर सिस्टम आता है देन हम हिट एंड ट्रायल की बजाय एग्जैक्ट मेथड आपके पास होना चाहिए कि इस तरह का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कैसे करोगे क्योंकि ट्वेंटी के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था यस, yes, सो so, सबसे पहले वर्ड फॉर्मेशन आप सॉरी नंबर फॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कोई भी नंबर कैसे बनता है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती मेरे पास में एक नंबर है थ्री फोर्टी टू यस कैसे बोलते हैं हम इसको थ्री हंड्रेड फोर्टी टू ऐसे बोलोगे ना दैट मीन्स कि थ्री इंटू हंड्रेड प्लस फोर इंटू टेन एंड प्लस टू यस yes, कोई भी नंबर कैसे बनता है ऐसे ही बनता है ना ये वर्ड फॉर्मेशन काफी सारे सॉरी नंबर फॉर्मेशन आपकी काफी जगह यूज होनी है तो नंबर की कोई भी नंबर कैसे बिल्ड होता है आपको पता होना चाहिए अगर आपको ये पता है ये लगा लो कि जी अब ट्वेंटी फाइव परसेंट आपका नंबर सिस्टम कवर हो गया यस अब बात आती है कि इसको यूज कैसे करना है अब कोई भी नंबर है मेरे पास एक्स वाई जेड तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं अभी मैंने क्या किया जो हमारे हंड्रेड प्लेस पे जो नंबर है उसको हमने हंड्रेड से मल्टीप्लाई किया सेम वे अगर थाउजेंड प्लेस पे कोई नंबर होता है उसको हम थाउजेंड से मल्टीप्लाई करते फॉर एग्जांपल देयर इज फाइव तो हम क्या लिख देते फाइव इन वन थाउजेंड यस मींस कि जिस प्लेस पे आपके पास में नंबर है उसकी आपकी जो प्लेस वैल्यू है उसके साथ में हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डन यस क्लियर तो उसकी प्लेस वैल्यू लेंगे हम तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितना है ये हमारे पास में फाइव को हमने वन थाउजेंड से मल्टीप्लाई किया टू को वन से, से, से तो इसी तरह से अगर हमारे पास में ऐसा कोई नंबर बनता है जो आपका एक्स वाई जेड की फॉर्म में है तो इसको आप कैसे लिखोगे इसको हम कैसे लिखेंगे हंड्रेड एक्स प्लस टेन वाई एंड प्लस जेड यस इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू आई थिंक सभी को क्लियर हो गया देखिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं देखिए क्या है अब सबसे पहले हमारे पास में एक सिंगल डिजिट नंबर है सिंगल डिजिट नंबर है ओनली एक्स प्लस ये क्या है हमारे पास में अब यहाँ पे टेंस डिजिट पे क्या है वन है और वंस डिजिट पे वंस की प्लेस पे क्या है हमारे पास में डोट है ठीक है ना दैट मीनस कि क्या हो गया हमारे पास में टेन प्लस एक्स यस टेन इसकी जगह पे कुछ भी नहीं है तो क्या करेंगे हम 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस जो भी हमारे पास में वैल्यू है उसको हम वन के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे यही करेंगे ना तो यहां पे अगर मैं इसको एक्स ले लेती हूं तो मेरे पास में एक्स आ गया यस क्लियर ओके यस आगे देखिए आपके पास क्या है टू और उसके बाद में डॉट है दैट मीनस कि टू एक्स टू एक्स को कैसे लिखोगे ट्वेंटी प्लस एक्स ना तो ये क्या हो गया आपके पास ट्वेंटी प्लस एक्स देन अगर यहां पे अपना एक्स है तो क्या हो गया हमारे पास में टेन एक्स प्लस आपके पास टेन एक्स प्लस थ्री देन टेन एक्स प्लस वन एंड द नंबर विल बी इक्वल टू वट दिस इज टू हंड्रेड टेन प्लस एक्स टू हंड्रेड टेन प्लस एक्स हो जाएगा ये यस क्लियर ओके अब देखिए आपके पास में कितने एक्स है वन टू थ्री ठीक है जी थ्री एंड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री दिस विल बी इक्वल टू वन ट्वेंटी थ्री एक्स प्लस यहां से आप देख रहे हो ट्वेंटी टेन ट्वेंटी थर्टी थर्टी और फोर थर्टी फोर इज इक्वल टू टू हंड्रेड टेन प्लस एक्स ओके okay, तो यहां से आपके पास में वैल्यू क्या आ गई ट्वेंटी टू एक्स इज इक्वल टू वट ये हमारा इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा थर्टी फोर तो ये हो जाएगा आपके पास में थ्री से फोर माइनस किया हमने सिक्स देन टेन से थ्री uh, गया सेवन एंड दिस इज वन सो एक्स की वैल्यू क्या आ गया आपके पास एट तो कितना आ गया एट यस yes. अब आप देखिए मैंने आपको पूरा समझाया एक एक पॉइंट लिख के बताया तब इतना टाइम लगाया अदरवाइज क्वेश्चन कुछ भी नहीं था आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है सिंपल माइंड में ही रख के चलो आप कि हाँ जी अगर यूनिट प्लेस पे जो नंबर बन रहे हैं हमारे यूनिट प्लेस पे कितने एक्स जो नंबर बन रहे हैं आपके जैसे कि हो गया वन और ये थ्री ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा ठीक है और यहाँ पे ये हो गया हमारे पास में एक एक्स ये और एक एक्स ये एक एक्स ये थ्री हमने ये एक्स वाले एक हो एक गए ठीक है जी सेम वे अगर हम प्लेस पे देखते हैं तो टेंस पे हो जाएगा तो ये हो गया अपने पास में ट्वेंटी एक्स ठीक है जी तो ट्वेंटी एक्स आपके पास में ये हो गया क्लियर तो इससे आप देखो कि डायरेक्टली भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है अगर आपको पता है यस अगर हमें पता है कि नंबर कैसे बनता है नंबर फॉर्मेशन अगर आपको पता है देन यू कैन इजीली डू इट ओके सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन अगेन देखिए 2020 के अंदर अगेन ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ था सेम क्वेश्चन सेम टाइप अब जल्दी से आप लोग करके दिखाएंगे मुझे जल्दी से करिए कोशिश क्या है यहाँ पे इसको हम लेंगे x यस yes. x प्लस टेन प्लस x यस दिस इज 50 प्लस x यस yes. अब यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास देखो x x है दैट मींस कि टेन एक्स दैट मीन्स इलेवन यस ये वाला पॉइंट समझ आया आपको आप इसको क्या से कह सकते हैं यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है तो क्या होगा हमारे पास टेन एक्स प्लस कैन से इलेवन एक्स ओके अब सेम वे यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया टेन एक्स प्लस टू हंड्रेड प्लस हंड्रेड प्लस अब अगेन यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास हां जी यहाँ पे क्या आएगा दोनों जगह सेम सेम नंबर ही आएंगे ठीक है ना तो ये क्या हो गया हमारे पास इस पोजीशन पे है इस पोजिशन पे है तो टेन एक्स और ये हमारे पास में सिंगल एक्स अगेन इलेवन एक्स हो गया, yes. अब हो गया आपके लिए। तो ये देखिए से 11x हमारा इधर भी था और ये 11x हमारा इधर भी था ये तो डायरेक्टली ही कैंसिल आउट हो गया अब आगे देखो वन टू थ्री एंड टेन थर्टीन थर्टीन एक्स आपके पास में ये हो गया ये देखिए आपके पास टेन फिफ्टी सिक्स एंड वन सिक्सटी वन इज इक्वल टू हंड्रेड दैट मींस इज इक्वल टू वट इधर आके हमारा माइनस हो गया कितना आ गया थर्टी नाइन सो एक्स विल बी इक्वल टू वट थ्री सो आंसर विल बी थ्री ओके अगर कैंसिल आउट नहीं करना कोई इश्यू नहीं है इनको भी ऐड कर लो आप इधर से वैल्यू करके इसको माइनस कर लो ओके okay? यस yes. बिल्कुल क्लियर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए हां जी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या है 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था क्या है क्वेश्चन ऑफ विच द मिडल वन इज इज फोर इफ द नंबर फोर्म बाई इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट then this is greater than the number itself by 198 then the difference between first and last digit is yes you want to find out the difference between first and last digit here given that let us consider the number is x 0 and y yes you can say बिल्कुल अब उसके बाद में क्या है कि जब अगर मैं नंबर को इंटरचेंज कर देती हूँ तो आफ्टर इंटरचेंजिंग अगर मैं डिजिट्स को इंटरचेंज करती हूं तो नंबर मेरा क्या बन जाएगा यस yes. yx की पोजीशन पे आ जाएगा ये नंबर बन जाएगा क्लियर अब अगर मैं नंबर फॉर्मेशन की बात करती हूं तो ये नंबर क्या है एक्चुअल में दिस नंबर इज इक्वल टू व्हाट 100x y और अगर हम इस नंबर को देखते हैं तो ये क्या है हमारे पास में 100y plus x और क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कि आफ्टर इंटरचेंजिंग जो मेरा नंबर है दैट इज ग्रेटर देन 198 दैट मींस बिट डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर्स इज इक्वल टू व्हाट 198 दैट मींस व्हाट 100y प्लस x जो बाद में मेरा नंबर बना यही का है ना उसने माइनस द नंबर बिफोर इंटरचेंज इज इक्वल टू 198 यस yes. तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज नाइन्टी नाइन वाई माइनस नाइन्टी नाइन एक्स इज इक्वल टू वन नाइनटी एट अगर हम 99 नाइन को बाहर निकाल लेते हैं तो वैल्यू क्या आ जाती है अपने पास में ये कैंसिल आउट हो गया टू दैट मीन्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू टू यहां तक बिल्कुल क्लियर है अब आगे देखिए क्वेश्चन में और भी कुछ गिवन था क्या कि देयर सम इज इक्वल टू फोर दैट मीन्स That means, ki y minus x is equal to 2 and y plus x is equal to 4. Here you can see, x is cancelled out by can, x and this 2y is equal to 6. So, y is equal to 1 and x is equal to, sorry, y is equal to 3 and x is equal to 1. यस हेयर यू कैन सी सिक्स बाई टू इज इक्वल टू थ्री अगर यहाँ पे वाई की वैल्यू थ्री आई है तो वाई को अगर मैं पुट करती हूँ यहाँ पे तो मेरे पास में एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी वन तो यहाँ से आप देख सकते हो कि वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास में अगर मैं नंबर देखूँ तो मेरा नंबर क्या बनेगा यहाँ पे एक्स की जगह पर अगर मैं पुट करती हूँ वन जीरो थ्री और यहाँ पर क्या हो जाएगा थ्री जीरो वन एंड हेयर यू कैन सी द डिफ्रेंस तो इसके अंदर से जब मैं इसको माइनस करती हूँ देन आई गेट वन एट ओके सो क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि व्हाट इज द नंबर क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट तो अब देखो दोनों का अगर मैं डिफरेंस देखती हूं तो नंबर का डिफरेंस क्या है थ्री माइनस वन इज इक्वल टू टू सो टू विल बी द करेक्ट आंसर ओके यस क्लियर सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन यस नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन देखिए क्या है कह रहा है कि वाइल राइटिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम 700 टू 1000 फ्रॉम 700 टू 1000 हाउ मेनी नंबर्स अकर इन विच द डिजिट एट 100थ प्लेस इज ग्रेटर देन द डिजिट एट 10थ प्लेस एंड एट द डिजिट एट द 10थ प्लेस इज ग्रेटर देन द डिजिट एट द यूनिट प्लेस यस गुड क्वेश्चन ये आपका 2018 के अंदर पूछा गया था अब देखो यहां पे कह रहा है कि जो नंबर है मेरा हंड्रेड पे यहाँ पे ये यह है हमारा ये नंबर बड़ा होना चाहिए इससे और ये नंबर बड़ा होना चाहिए इससे दैट मीन्स कि अब यहाँ पे पहले पॉइंट तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास में कि सेवन हंड्रेड से वन थाउजेंड तक अगर मैं देखूँ तो मेरी हंड्रेड प्लेस पे क्या क्या डिजिट्स आ सकती है मेरे क्या क्या केस बनेंगे कि यहाँ पे हमारे पास में सेवन आ सकता है ठीक है फर्स्ट केस के अंदर सेकेंड केस के अंदर मेरे पास यहाँ पे एट हो सकता है ठीक है और थर्ड केस में मेरे पास यहाँ पे नाइन हो सकता है यस yes. सिर्फ तीन केस बनते हैं अब दूसरी बात देखिए आप हाँ जी ध्यान से समझिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने कहा है कि भई जो टेंथ प्लेस पे जो नंबर डिजिट आएगी दैट इज ग्रेटर दैट यूनिट प्लेस है ना यही कहा है तो अब देखो आप ध्यान से अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ टू ठीक है हाँ जी अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ टू तो यहां पे क्या क्या आ सकता है या तो जीरो आएगा या तो वन आएगा और तो कुछ नहीं आ सकता यस दैट मींस कि अगर यहां पे मेरे पास टू है तो मेरे पास में नंबर कितने बनेंगे टू नंबर्स बनेंगे ठीक है सेम वे अगर मेरे पास यहां पे थ्री है यस yes. ध्यान से देखिएगा अगर मेरे पास यहाँ पे थ्री है एक बार समझ आ गया फिर कुछ भी नहीं है थ्री है तो मेरे पास क्या क्या हो सकता है यहाँ पे टू आ सकता है वन आ सकता है और जीरो आ सकता है सेम भी अगर फोर है तो मेरे पास में फोर नंबर्स बनेंगे फाइव है तो मेरे पास फाइव नंबर्स बनेंगे तो आप यहाँ पे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई जो यहाँ पे टेंस प्लेस पे टेंस प्लेस पे जो मेरा नंबर होगा ना उतने ही नंबर बनेंगे मेरे ठीक है ना टू डिजिट के क्लियर अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या प्लेस करेंगे यहाँ पे सिक्स क्योंकि सेवन है ना सेवन से छोटा नंबर चाहिए मुझे मैंने सिक्स प्लेस किया जब मैंने सिक्स प्लेस किया तो मेरे पास में वैल्यू क्या क्या बनेगी सिक्स वन सिक्स टू सिक्स थ्री सिक्स फोर एंड सिक्स फाइव दैट मीन्स टोटल फाइव नंबर्स विल बी फॉर्म तो यहाँ पे सिक्स नंबर्स बन जाएंगे सॉरी फाइव नहीं सिक्स नंबर्स विल बी फॉर्म तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिक्स बन जाएगा ठीक है जी क्योंकि जीरो भी इंक्लूडेड है ना तो सिक्स हो गया अब अगर इसी तरह से मैं यहाँ पे अगर मैं फाइव पुट करती हूँ सिक्स की जगह पे तो फिर कितने नंबर बनेंगे फाइव देन फोर देन थ्री देन टू एंड देन वन यस कितना हो गया ये आपके पास दिस इज ट्वेंटी वन ओके अब नेक्स्ट टर्म पे आते कि मैंने यहां पर पुट कर दिया एट अगर मैं यहां पर एट पुट करती हूं इन दैट केस आई कैन पुट हेयर सेवन सेवन सिक्स फाइव फोर सारा कुछ पुट कर सकते हैं That means कि मेरा पहला जो जो केस बनेगा बनेगा? वो किसका बनेगा? 7 का? तो 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 हमारे पास में नंबर्स तो पे क्या आ जाएगा? जब मैं पुट करती करेंगे, फिर सारा ही है। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है यू कैन डायरेक्टली एड सेवन ओके तो यहाँ पे हम इसके अंदर अगर सेवन एड करते वैल्यू तो कितनी आ जाएगी ट्वेंटी एट ओके नाउ टेक द यस yes, अगर मैं यहाँ पे एट की जगह पे लेती बच्चे नाइन ठीक है अगर नाइन है दैट मीन्स कि हम यहाँ पे एट भी पुट कर सकते हैं अगर मैं यहाँ पे एट पुट करती हूँ मीन्स कि एट नंबर्स बनेंगे आपके ठीक है तो एट नंबर हो गया अगेन हम यहाँ पे सेवन पुट कर सकते हैं फिर सेवन नंबर्स देन सिक्स फाइव फोर सारे हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे और यू कैन डायरेक्टली एड ओनली एट इसके अंदर हमने देखो सिक्स में सेवन ऐड किया फिर एट ओके एट जब आप इसके अंदर ऐड करोगे तो आपके पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी थर्टी सिक्स अब देखिए अगर यहाँ पे जो फर्स्ट केस है जिसमें हमारा सेवन है तो कितने नंबर बनेंगे ट्वेंटी वन ईफ आई पुट है और हेयर एट देन ट्वेंटी एट एंड अगर यहाँ पे नाइन है तो थर्टी सिक्स दैट मीन्स कि टोटल नंबर कितने होंगे यस yes, यही था क्वेश्चन आपके पास में कि हाउ मैनी नंबर नंबर बनेंगे तो अगर हम टोटल देखें तो टोटल सबका एड कर लोगे आप यस yes, तो ये हो गया आपके पास 85 यस yes, टोटल 85 फाइव नंबर कैन फॉर्म सो आंसर विल बी 85 फाइव क्लियर

फाइव की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं फोर डिजिट का नंबर बनाती हूं, ठीक है तो अगर मेरा यहाँ पे फाइव में पुट कर सकती हूं? नहीं कर सकते क्योंकि फिर तो फाइव थाउजेंड हो जाएगा यस yes. सो so, जो मेरी फोर्थ डिजिट है जो मेरे थाउजेंड के प्लेस के बाद में हमारे पास में जो नंबर आएगा डिजिट तो वो क्या होगी जीरो आएगी क्योंकि उसने कहा है कि भाई जीरो से लेके आपको वन थाउजेंड तक वन से लेके वन थाउजेंड तक आप इसको कर सकते हो ठीक है दैट मीन कि मेरे पास में इन्हीं पे कोई कोई नंबर आ सकता है अब देखो ध्यान से अब हंड्रेड प्लेस की मैं बात कर रही हूं फाइव कितनी बार आ सकता है yes. यस हां जी देखिए अगर मैं यहां पे फाइव लगाती हूं तो मेरे पास में नंबर क्या बनेगा 500 से लेके 599 तक और तो कहीं पे भी फाइव नहीं आ सकता ना अगर सिक्स आ गया तो सिक्स हंड्रेड बन जाएगा टू आ गया तो टू हंड्रेड बन जाएगा फोर आ गया तो फोर हंड्रेड बन जाएगा दैट मीनस कि यहां पे मेरे पास में फाइव हंड्रेड से फाइव नाइन तक का ही नंबर बन सकता है यस yes. तो कितनी बार फाइव आया मेरे पास हंड्रेड टाइम्स हंड्रेड टाइम्स दैट मीन्स कि हंड्रेड प्लेस पे हंड्रेड टाइम्स फाइव आ सकता है तो यहाँ पे आ गया हमारे पास में हंड्रेड ओके हंड्रेड टाइम्स आ रहा है नाउ कम ऑन द सेकंड टेंस प्लेस यस जब हम टेंस प्लेस की बात कर रहे हैं तो टेंस प्लेस पे फाइव कब आता है हाँ जी टेंस की लाइंस में आप देखो फाइव कब आता है फिफ्टी फिफ्टी वन फिफ्टी टू तक आ सकता है ना दैट मीन्स कि हमारे पास में 50 से लेके 59 तक दैट मीनस कि 10 टाइम्स आ रहा टाइम्स कितनी के अंदर हंड्रेड तक के मतलब मतलबेंड नंबर्स के अंदर हंड्रेड नंबर्स में अगर मेरा हंड्रेड नंबर्स में फाइव जो है आपका वो टेन टाइम्स प्लेस श्योर है ठीक है जी दैट मीनस कि 1000 थाउजेंड नंबर के अंदर कितनी बार आएगा आपका टेन इंटू टेन दैट मीन हंड्रेड टाइम्स यस क्लियर ओके सो यू कैन सी कि जो आपका टें प्लेस है उसके अंदर फाइव कितनी बार आएगा हंड्रेड टाइम्स आएगा ओके okay. अब आते हैं हम वंस प्लेस पे अब वंस पे अगर देखो तो फाइव कैसे आएगा फाइव देन फिफ्टीन ट्वेंटी के अंदर टेन टाइम्स हो रहा है टेन टाइम्स हो रहा है कितने में हंड्रेड नंबर्स के अंदर तो वन थाउजेंड नंबर में कितनी बार शो होगा हंड्रेड टाइम्स ओके सो अगेन यहां पे अपने पास में अगर मैं वंस प्लेस की बात करती हूँ तो फाइव कितनी बार आएगा हंड्रेड टाइम्स दैट मीन्स कि टोटल कितना हो गया आपके पास थ्री हंड्रेड टाइम्स सो आंसर विल बी थ्री हंड्रेड टाइम्स यस वन मोर थिंग अब यहां पे डिजिट

ठीक है ना तो आंसर क्या आ गया थाउजेंड थ्री हंड्रेड ओके यस सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर अदर देन वन एंड वाई इज ग्रेटर देन एक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट नंबर यस इजी क्वेश्चन है थोड़ा सा ध्यान देने वाला देखो 2018 के अंदर आया था ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन आया हुआ था ये अब यहां पे आप देख सकते हो उसने कहा है कि नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर दैट मीन्स कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमारे पास में वन टू थ्री फोर अप टू इन्फिनिटी मीन्स जो हम काउंटिंग करते हैं ना काउंटिंग जहाँ से शुरू करते हैं वन से इन्फिनी तक सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं ठीक है अब उसने साथ में कहा कि नंबर अदर देन वन वन से के अलावा ठीक है ना वाई इज ग्रेटर देन एक्स वाई जो है दैट इज ग्रेटर देन नेक्स्ट ये भी आपके पास गिवन है कह रहा विच ऑफ द तो फॉलोइंग रिप्रेजेंट द तो लार्जेस्ट नंबर तो अब आप देखो इन नंबर्स के अंदर अगर मैं डिवीजन करती हूँ किसी भी नंबर को तो नंबर कम आएगा ठीक है नंबर कम आएगा मीन्स अगर मैं कोई भी ऑपरेशन पर, परफॉर्म करती हूँ अदर देन मल्टीप्लिकेशन तो सभी वैल्यूज हमारी लेस होंगी ठीक है ना तो हमेशा ध्यान रखो कि वैन वी मल्टीप्लाई टू नेचुरल नंबर बी द लार्जेस्ट वन सो आंसर विल बी एक्स वाई यू कैन सी ओवर हेयर कि हमारे पास एक्स की वैल्यू ये है वाई की वैल्यू ये ठीक है अब फर्स्ट केस के अंदर क्या बनेगा हमारे पास में सिक्स सेकेंड केस में क्या बनेगा टू बाई थ्री ठीक है थर्ड केस में थ्री बाई टू दैट मीन्स वन बाई फाइव एंड थर्ड केस के अंदर क्या जो फोर्थ केस है फोर्थ केस में क्या बनेगा फाइव बाई सिक्स तो यहां पे आप देख सकते हो दिस इज द ग्रेटर वन ओके बट आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं वन से इंफिनिटी तक क्योंकि कई बार माइंड में आता है जीरो ना हो तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा यस दे आर होल नंबर यस ओके सो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एट डिजिट नंबर फोर टू फाइव टू सेवन फोर सिक्स बी लिवस ए रिमाइंडर जीरो वेन डिवाइडेड बाई थ्री हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ बी आर पॉसिबल यस बी की कह रहा है कितनी वैल्यूज हो सकती है देखिए 2019 का क्वेश्चन है दिस इज द नंबर एंड कह रहा है कि जब हम उसको डिवाइड करते हैं थ्री से अगेन डिविजिबिलिटी रूल न से डिविजिबिलिटी रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन नंबर सिस्टम डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है एड कर दें तो उनका जो सम होगा थ्री ओके सो अब हम सेम अप्लाई करते हैं यहाँ पे तो थ्री से देखिए पहले सम देखते हैं दिस विल बी फोर टू सिक्स इलेवन थर्टीन ट्वेंटी थर्टी एंड बी देट मीन थर्टी प्लस बी ओके okay? अब कह रहा है कि हाँ जी बी की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं तो थ्री के टेबल के अंदर अगर हम देखें तो थर्टी इज डिविजिबल बाई थ्री ओके, देन, थर्टी थ्री इज डिविजिबल बाई थ्री थर्टीजलो डिजिबल बाई थ्री दैट मीनस की एट द प्लेस ऑफ बी यू कैन टेक जीरो सिक्स एंड नाइन सो दे फोर वैल्यू सो आंसर विल बी

सिक्स लगाएंगे तब भी और नाइन लगाएंगे तब भी सो आंसर विल बी सी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हां जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है द नंबर वन थ्री सिक्स इज एडेड टू फाइव बी सेवन एंड द सम ऑफ टेन इज सेवन ए थ्री वाइल वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स इन दिस इन दिवन दैट सेवन एज एक्टली डिविजिबल बाई थ्री द ओनली पॉसिबल वैल्यू बी बी की क्या वैल्यू हो सकती है आपने बताना है तो मेरे पास में जो नंबर बन रहा है क्या बन रहा है सेवन ए थ्री यस ये नंबर बन रहा है ओके okay. अब उसने कहा है कि जो ये नंबर है दिस इज एक्टली डिविजिबल बाई थ्री एग्जैक्टली डिविजिबल बाई

बचपन से करते आ रहे हो आप यहाँ पे देखो सेवन एंड सिक्स थर्टीन वन इज द कैरी ओके देन यहाँ पे भी सेवन है दैट मीन्स देयर शुड बी वन कैरी ओवर हेयर दैट मीन्स कि यहाँ पे हम एक ऐसा नंबर रखेंगे जिससे मेरे पास यहाँ पे इनमें से कोई नंबर आ जाए ठीक है अब यहाँ पे देखो ये हो गया मेरे पास थ्री एंड वन फोर फोर के अंदर अगर मैं एट ऐड करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा ट्वेल्व आ जाएगा दैट मीन्स कि आई कैन पुट हेवर हेयर टू यस

then what is the difference between the values of a and d yes again good question and it was asked in 2020 yes dekhiye kya hai correct ek number mere paas ye hai a 3 b and c and the second number is d e 2 f okay? आप कह रहे हैं कि जब दोनों को हम add करते हैं तो मेरे पास में नंबर क्या बन रहा है यहाँ पे फिफ्टीन नाइन जीरो टू यस क्लियर अब यहाँ पे देखो आप उसने कहा है कि नंबर ग्रेटर देन जीरो है सारे के सारे तो ग्रेटर देन जीरो है जो हमारे सॉरी ग्रेटर देन थ्री है हमारे पास में तो ग्रेटर देन थ्री है दैट मींस कि नंबर क्या क्या हो सकते हैं फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन दीज आर फाइव नंबर्स ओके अब यहाँ पे आप देखो सॉरी सिक्स नंबर्स तो अब यहां पे आप देखो मुझे क्या चाहिए टू चाहिए मींस की जब मैं दो नंबर्स को ऐड करूं तो मेरे पास आए तो तो कि मीन हम तो 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 okay? पे हमारे पास में हो सकता है या फोर हो सकता है ठीक है वाइस वैल्यू हो सकती है आपके पास में या तो सी की वैल्यू एट होगी और एफ की वैल्यू फोर होगी या फिर

क्या हो गया फोर फोर एंड ई नाइन दैट मीन्स कि मुझे क्या चाहिए फाइव और चाहिए ना तो फाइव मेरा यहाँ पे आ जाएगा दैट मीन्स कि ई e की वैल्यू क्या होगी फाइव अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए फिफ्टीन फिफ्टीन के लिए मेरे पास में नंबर क्या क्या बचे हैं यस वन इज फाइव एंड सॉरी वन इज सिक्स फाइव तो हमने यूज़ कर लिया ना यहाँ पे यस yes, यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने फाइव यूज कर लिया अब हमें क्या चाहिए दो नंबर और सिक्स सिक्स और एक

नेक्स्ट इज ए प्रिंटर नंबर बुक स्टार्टिंग विद एंड इन ऑल हाउ मैनी पेजेज द बुक के अंदर कितने पेजेस अगेन सारा नंबरों का खेल है अब देखो जब भी मेरी बुक शुरू हो रही है तो वन से शुरू हो रही है वन से वन टू थ्री अप टू नाइन देन टेन टू नाइनटी नाइन ओके देन हंड्रेड टू ओके okay. और उसके बाद में आपके पास में क्या आ गया वन थाउजेंड से उसने कहा कि यूजेस कर रहा है वो इतनी डिजिट्स यूज कर रहा है उसके बाद में अपने पास में कुछ हो रहा है उसने बताया नहीं है कि जी कितने आगे अपने पेजेस बन रहे ठीक है तो अब यहाँ पे डिजिट्स देखो आप कि वन से जो वन डिजिट नंबर है वन डिजिट ठीक है तो वन डिजिट के नंबर्स हमारे जो बन रहे हैं वो कितने हैं नाइन नंबर्स बन रहे हैं वन टू नाइन कितनी डिजिट यूज हुई सभी में एक एक डिजिट यूज हो रही है नाइन डिजिट हमारे यहां पर यूज हो गई okay? अब अगर मैं टू डिजिट की बात करूस इज टू यस अगर हम टू डिजिट की बात करें तो भाई इला टेन से नाइनटी नाइन क्लियर इतने हैं हमारे पास में टू डिजिट के नंबर अब टू डिजिट के हमारे पास में कितने हो गए फिर नाइन्टी नंबर नाइन्टी है तो अब नाइन्टी को मैं क्या करूंगी देखो एक डिजिट के अंदर मेरे कितने यूज हो रहे हैं एक डिजिट के अंदर मेरे टू सॉरी एक नंबर के अंदर मेरे टू डिजिट्स यूज हो रहे हैं दैट मींस कि नाइन्टी नंबर्स के अंदर मेरे कितने डिजिट्स यूज होंगे मल्टीप्लाई बाय टू कर देंगे दिस इज वन एट्टी अब हम बात करते हैं थ्री डिजिट्स की थ्री डिजिट्स के कितने है? कितने नंबर है मेरे पास नाइन हंड्रेड नंबर हंड्रेड नंबर है सारे तीन तीन डिजिट के हैं तो टोटल कितने डिजिट्स यूज हो जाएंगे यहाँ पे इसको थ्री से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ट्वेंटी सेवन दैट मीनस की मेरी टोटल कितने डिजिट्स यूज हो गई है यहाँ पे कितने डिजिट्स मेरी यूज हो गई है और आपके क्वेश्चन में क्या आगे वन है यूजिस थ्री जीरो रिमेनिंग डिजिट्स आर ऑफ फोर डिजिट नंबर्स यस सो फोर डिजिट की अगर मैं बात करूं तो फोर डिजिट कितनी है मेरे पास में थ्री जीरो एट नाइन माइनस टू एट एट नाइन ओके तो ये हो गया आपके पास टू हंड्रेड दैट मीन्स टू हंड्रेड डिजिट्स टू हंड्रेड डिजिट्स जो हैं वो फोर फोर नंबर्स के अब यहां पे देखो कि जो फोर डिजिट्स से एक नंबर बन रहा है फोर डिजिट से मेरा एक नंबर बन रहा है ठीक है तो टू हंड्रेड डिजिट से मेरे कितने नंबर बनेंगे नंबर कितने फॉर्म होंगे मेरे कितने होंगे डिवाइडेड बाई फोर दैट मीन्स फिफ्टी ओके तो टोटल नंबर कितने हो होंगे यहाँ पे यस yes. यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि बुक के अंदर कितने पेजेस हैं ये क्या आपके हो गए नाइन ठीक है नाइन्टी नाइन हंड्रेड एंड प्लस फिफ्टी देखिए नाइन पेज वन वन डिजिट के नाइनटी पेजेस टू टू डिजिट के एंड वी फाइंड अवर हेयर फिफ्टी पेजेस ऑफ फोर फोर डिजिट सो दिज आर टोटल टोटल वैल्यू अपने पास में कितने आ गई है दिस इज नाइन प्लस नाइन्टी प्लस नाइन हंड्रेड प्लस फिफ्टी दिस विल बी इक्वल टू वट वन जीरो फोर नाइन सो वन जीरो फोर नाइन विल बी द करेक्ट आंसर यस क्लियर तो ये देखिए सी सेट में आपके थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो अभी हमने आप लोगों के लिए जो टेस्ट सीरीज शुरू करी है ये हाँ जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करी है स्टार्ट जो हमने करी है अभी तो इसके अंदर हम आपको पूरे कंप्लीट 2015 से टू थाउजेंड तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं दे में भी नंबर सिस्टम प्रॉफिट लॉस सभी पे बेस्ड ओके उसके लिए आपने करना क्या है यस yes. देखिए क्या करना है जब आप अपने पास में यहाँ पे फिल करते अभिपीडिया डॉट अभिमन्यु ठीक है अभी पीडिया अभिमन्यु डॉट सी सेट तो अभी पीडिया पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे अवेलेबल है फुल सब्सक्रिप्शन फुल वीडियो कोर्सेज टेस्ट सीरीज एंड माइक्रो कोर्सेज तो यहाँ से आपको फुल वीडियो कोर्सेज पे जाना है ठीक है फुल वीडियो कोर्सेस के अंदर हमारे पास में वीडियो लेक्चर्स का कोर्स है 21 है ये हाँ लेक्चर्स पे शो हो रहे हैं ठीक okay? जैसे -जैसे okay? है एक लेक्चर के अंदर आपके 15 क्वेश्चन हो सकते हैं 20 क्वेश्चन हो सकते हैं 10 क्वेश्चन हो सकते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे हम आपको थर्टी प्लस लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्लियर उसके बाद में जब आप इसके व्यू डिटेल पे पे जाते हो हो तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि यह आपका कोर्स आ गया इसके अंदर हम आपको थ्री डेमो लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं ओके okay? उसके बाद में आप देख सकते हो कि जब आप यहाँ पे कोर्स को लेते हो तो यहाँ पे हर एक लेक्चर के साथ में हर एक लेक्चर के साथ में आपको पीडीएफ अवेलेबल है यस yes, पी डी एफ अवेलेबल है और हर एक लेक्चर के साथ में सेम टॉपिक का टॉपिक टेस्ट भी आप लोगों को अवेलेबल होगा क्लियर है यस टॉपिक टेस्ट भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है तो उसके बाद में आप देखिए एक तो ये हो गया आपके पास कि इसके अंदर आपका हर टॉपिक पे हर टॉपिक पे जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है सारे कवर हो जाएंगे अगर आपके टॉपिक वाइज तो आपने कर रखा है अगर आपको ये है कि हाँ जी सी सेट में कैसे क्वेश्चन है, आते हैं तो उससे आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी ठीक है यस अब आप देखिए कि अगर मान लो आप कहते हो कि नहीं मुझे तो ना कोई पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि नंबर सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो इन दैट केस व्हाट कैन यू डू कि आप पर्टिकुलर कोई भी एक माइक्रो कोर्स भी ले सकते हो तो इसके लिए आपने माइक्रो कोर्स पर जाना है माइक्रो कोर्स के अंदर टॉपिक कोर्स पे आपको जाना है जब आप टॉपिक कोर्स पे जाते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे टॉपिक्स आ जाएंगे आपके पास में लाइक नंबर सिस्टम एल सी एम एच सी एफ नंबर सीरीज एवरेज परसेंटेज सारा कुछ देखो आप यहाँ पे आपके पास में अवेलेबल है ओके okay? अब जब आप किसी भी पर्टिकुलर कोर्स को लेना चाहते हैं मान लो आप कहते हो भी मैंने तो परसेंटेज देखने की परसेंटेज के अंदर मुझे प्रॉब्लम आ रही है इन दैट केस आप सिर्फ परसेंटेज भी ले सकते हो जब आप परसेंटेज पे यहाँ पे क्लिक करते हो ठीक है तो उस केस के अंदर आपको परसेंटेज का ये देखिए इस तरह से ओनली परसेंटेज अवेलेबल हो जाएगा जिसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो फाइव आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे फोर स्टडी नोट्स मिलेंगे एंड थ्री फिफ्टी फाइव आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे ओके okay? तो एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर हम आपको इतना कुछ प्रोवाइड करें कि आ, आप अपने अकॉर्डिंग दिस इज वेरी फ्लेक्सीबल सिस्टम आप अपने अकॉर्डिंग जिसकी आपको जरूरत है ठीक है ना सिर्फ आप वो ले सकते हैं फिल्टर करके यस क्लियर ओके तो आपने करना क्या है सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है सभी ने सो दैट कि जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं ना वो तो आपको मिलते रहे सबसे पहले तो आपने ये काम करना है ठीक है उसके बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है आपके पास हर एक माइक्रो कोर्स का लिंक आपके पास अवेलेबल है यस yes, आपके पास माइक्रो कोर्सेज का सारे लिंक्स आपके यहाँ पे अवेलेबल है लाइक लॉजिकल रीजनिंग का आ गया आपका डिसीजन मेकिंग का आ गया इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन आ गया मैथ्स का आ गया सारे आपके पास में लिंक्स अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आपको डिटेल में चेक करना है देन यू गो द डिस्क्रिप्शन एंड चेक ऑल द डिटेल्स ओके यस ओके सो इट वाज ऑल फॉर टुडे तो सबसे पहले क्या करना है सभी ने अभी आज के आज ही क्या करना है जो अपनी आ, टेस्ट सीरीज है टेस्ट सीरीज को सभी ने रजिस्टर करना है सो so दैट कि आपके जो भी आपके जो टेस्ट सीरीज है जिसके अंदर हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं पूरे सिक्स इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल करवा रहे हैं तो उसके अंदर आपको लेक्चर्स मिल सके इसके अलावा जो माइक्रो कोर्सेज है आपका माइक्रो कोर्सेज के अंदर देखिए अगर मान लीजिए जैसे ये है आपके पास फाइव लेक्चर्स हैं इसके अंदर अगर मान लो हम और लेक्चर ऐड कर रहे हैं तो वो आपको आगे उसके लिए फर्दर कोई भी कुछ भी पे नहीं करना उसके लिए आपको सारा कुछ इसके साथ में ही मिल जाएगा ठीक है ना मीन्स कि आपको आ, सारे के सारे न्यू रिसोर्सेज जो हैं वो आपको विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा कोर्स यहाँ पे मिल जाएंगे सो इट वॉज आल फॉर टूडे थैंक यू सो मच